आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एग्ज़ाम दिए थे, उसमें एग्ज़ाम देने के बाद आप काउंसलिंग भी किए थे ऑनलाइन। काउंसलिंग करने के बाद जो लेटर होता है अलाउमेंट लेटर, उसको किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे और किस तरह आप जान पाएंगे कि आपका जो नामांकन है किस कॉलेज में आया है। आप काउंसलिंग के वक्त बहुत सारे कॉलेज फिलअप किए होंगे, तो आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है पॉलिटेक्निक के लिए और कौन सा कोर्स के लिए कब तक एडमिशन होगा और कहाँ पे एडमिशन होगा, तो टोटल चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। जिस कॉलेज में हुआ वो कॉलेज प्राइवेट है या सरकारी है वो भी पता कर सकते हैं आप किस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार के जो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये देख लीजिए, ये वाला बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ये जो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको आ जाना है। हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 नंबर में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCE CEPE 2019, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे चलेंगे आप काउंसलिंग करते वक्त जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड अलाउमेंट लेटर फॉर पॉलिटिकल इंजीनियर 2019 फर्स्ट काउंसलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप काउंसलिंग करते वक्त इस पे रजिस्टर किए होंगे तब आप पासवर्ड बनाए होंगे और आपका यहाँ से लॉगिन किए होंगे, तो वो पासवर्ड और रोल नंबर इंटर करके लॉगिन हो जाइए। यहाँ पे ये कैप्चर है, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ रोल नंबर पासवर्ड और यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना, कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किए थे, पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए किए थे तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह की मिलेगा। तो अलाउमेंट ऑर्डर किस तरह डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आपको मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे प्रिंट अलाउमेंट ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये इनका जो सिलेक्शन हुआ ये फर्स्ट राउंड में हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए इनका नाम, जो ये नाम है और किस कोर्स के लिए और रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और इनका मैरिट लिस्ट जो यहाँ पे मैरिट लिस्ट देख लीजिए 78,047 है, कैटेगरी अनरिजर्वेशन है, ठीक है 78,000 है फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ है। किन कोर्स में, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर में इनका सिलेक्शन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स में, और किन कॉलेज में हुआ यहाँ पे देख लीजिए GMCP हरनौत नालंदा, गंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक हरनौत नालंदा, इस कॉलेज में इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है फर्स्ट राउंड में। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का अंगूठा लगेगा और यहाँ पे जो एडमिशन अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। आपको कहाँ पे वेरीफाई करवाओ, यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग सेंटर जो है ये गंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक हरिनौत नालंदा, इस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और इसको भी प्रिंट करके इसको भी लेकर जाना होगा। कब से कब तक जाएंगे यहाँ पे डेट भी दिया रहेगा, इनका डेट 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके इस कॉलेज में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया किस कॉलेज में हुआ, कितना कैटेगरी वाले को भी हुआ, यहाँ पे 78,000 इनका कैटेगरी है फिर भी इनका हो गया है, ठीक है। और मैकेनिकल कोर्स में और रिपोर्टिंग टाइम रिपोर्टिंग सेंटर में आपको जितना तारीख दिया जो भी डेट दिया उस डेट को जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेना है। डॉक्यूमेंट में सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, इसको भी प्रिंट कर लीजिएगा, तो ये लेकर आप इस डेट को चले जाइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह अलाउमेंट लोड ऑर्डर डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे।